हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर एक आए हैं नए ब्लॉग के साथ। आज हम अपनी गैलरी को लाए इधर काशीपुर घुमाने के लिए। हम आए हैं इधर जरा डॉक्टर के पास थोड़ा चेकअप कराने के लिए आए हैं। हमने सोचा गैलरी के साथ घूमते रहेंगे, उसके एक ब्लॉग भी बना देंगे, इसलिए हम यहाँ आए हैं। इधर आगे लाओ, कैमरा मैन आगे आ जाते हैं। ये हमारे कैमरा मैन है, थोड़े शर्मा रहे हैं, लेकिन शर्माहट इनकी निकल जाएगी धीरे धीरे, तो हमारे साथ बने रहेंगे। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ हम आए हैं, ये हॉस्पिटल है उजाला हॉस्पिटल है मानपुर रोड पे। हम उजाला हॉस्पिटल में आए मानपुर रोड पे। इसी के साथ मैंने सोचा क्यों ना हम आपको अपने दोस्तों फ्रेंड्स को ब्लॉग के माध्यम से बता के जाए हम कहाँ आए हैं। हम यहाँ मिलने डॉक्टर मीनाक्षी गुप्ता जी हैं, बहुत अच्छी फेमस डॉक्टर हैं, उनसे मिलने के लिए आए। तो हमने बताया दोस्तों हम अपने आज आए हैं उजाला हॉस्पिटल में। ये देखो उजाला हॉस्पिटल का बोर्ड है, ये उधर वो सामने उजाला हॉस्पिटल है, ये सारे काफ़ी बोर्ड लगे हुए हैं। ये ज्ञान भी हमारा बहुत शोर मचा रही है। उधर ये देखो ऊपर टॉप में ये उजाला हॉस्पिटल का बोर्ड है। ये इधर ये छोटे छोटे ये डॉक्टरों के परिचय दिए हुए हैं, यहाँ पर ये परिचय हैं डॉक्टरों के। ये रोड है और अच्छी सुविधा यहाँ मिलती है उजाला हॉस्पिटल में, इसलिए मैंने काफ़ी सर्वे के बाद यहीं आता हूँ। और मैं देखता हूँ कि उजाला हॉस्पिटल जो काशीपुर में हॉस्पिटल है उनमें से सब में बढ़िया हॉस्पिटल है, और यहाँ पर इलाज ही बढ़िया होता है। यहाँ जो डॉक्टर हैं वो काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं। मैं आता हूँ कई बार यहाँ चेकअप करवाने, रूटीन चेकअप कराने, तो बहुत अच्छा यहाँ पर, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत अच्छा यहाँ पर जो है इलाज होता है हमारे। मैं तो खैर अभी आया हूँ, तो हमें मीनाक्षी गुप्ता एक लेनी है, बहुत अच्छे इलाज करती है, उनसे हम रूटीन चेकअप के लिए आए हैं। ज्ञान भी हमारी देखो उधर के खुद चलने लगी है। ज्ञान भी इधर साइड में चलो। ये ज्ञान भी चलने लगी है यहाँ पर, काफ़ी देखो ये बहुत हेल्प करती है, खुद चलने लग रही है ज्ञान भी इधर चलो इधर। अभी देखो ज्ञान भी बोर्ड में ये एंट्री कर दी है उजाला हॉस्पिटल में। चलो ज्ञान भी कहाँ जा रही है, इधर चलो 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 वहीं चलो मम्मी के पास चलो चलो मम्मी के पास। चलो सीधे चलो चलो इधर 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 कहाँ ज्ञान भी इधर ना ज्ञान भी इधर चलो इधर इधर चलो इधर 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 चलो इधर चल 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 चलो सीधे मम्मी के पास चलो 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 भाग के चलो भाग के कैसे चलोगे भाग के चलो भाग के आ जाओ आओ ज्ञानी आ जाओ ज्ञानी भी आओ भाग के आओ बाइक भी आ रही है इधर से, इधर आओ बेटा भाग के आओ ज्ञान भी आ जाओ आ जा जल्दी जल्दी आ जा। ज्ञान भी हमारी आ रही है दौड़ती हुई, ज्ञान भी दौड़ती हुई आ रही है, दौड़ के आओ जल्दी जल्दी आओ। इधर ये कैंटीन है उजाला हॉस्पिटल की कैंटीन है, ये हमारी ज्ञान भी तो दौड़ती हुई आ रही है। इधर ये हॉस्पिटल की सारी देखो बाइकें यहाँ खड़ी हो जाती हैं, यहाँ पर बाइकें खड़ी हैं, अच्छी सीनरी बनी हुई है। और ये उजाला हॉस्पिटल का ये धुआंघर है, और हम यहाँ से होते हुए हम ज्ञान भी को ले जाते हुए, ज्ञान भी चलो ज्ञान भी अपने चल रही चलो मम्मी के पास चलो। और वो सामने देखो ये उजाला हॉस्पिटल का काउंटर है, यहाँ पर्चे बनाए जाते हैं, ऑनलाइन पर्चे बनते हैं, और ये अच्छी सीनरी है। उसके बाद अब हम चलते हैं सीधे मीनाक्षी गुप्ता मैडम जी के केबिन में, जहाँ पर हमने सुबह आए थे वहाँ पर हमने नंबर लगवा दिया है। और नंबर लगवाने के बाद हमने अपने बच्चे दिखा दिए, अब उधर हम मीनाक्षी गुप्ता जी के यहाँ चलते हैं। इधर से रास्ता है, आगे से टर्न है। अपने ब्लॉग में इतने घुमा के आओ, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये अच्छी कितनी अच्छी सीनरी है यहाँ पर। ये देखो अभी ये इसके पड़ोस में ये कोई बिल्डिंग बन रही है हॉस्पिटल के पड़ोस में। यहाँ ये देखो ये हॉस्पिटल का ये ब्लड बैंक है, वो सामने ब्लड बैंक है। अगर यहाँ बच्चे खेलते हैं यहाँ तो ये खेल सकते हैं। और हम दिखाते हैं हमारी ज्ञान भी कहाँ खेल रही है, देखो यहाँ कितने बच्चे खेल रहे हैं, यहीं मैं आपको दिखाता हूँ। ये मीनाक्षी गुप्ता जी का केबिन है, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। ये बोर्ड आप देख रहे हो, बहुत भीड़ लगी हुई है।
हमारे पीछे ज्ञान भी है, लेकिन किसी और का बच्चे रो रहा है, लेकिन हमारी ज्ञान भी आराम से खेल रही है। ज्ञान भी तो बहुत झूला झूल रही है, झूला टूट गया है ना बाबू। हाँ चलो ज्ञानवी रखो, रैंप में आओ, ज्ञानवी ये झूला बाबू दिखाना, ये दिखाना, ये घोड़ा कैसे चलता, घोड़ा चला के दिखाओ, एक बार घोड़ा पे बैठो बाबू, घोड़ा पे बैठ के दिखाओ बाबू, बैठो, ये ज्ञानवी अच्छा लग रहा है, ज्ञान भी अच्छा लग रहा है बाबू। ये उजाला हॉस्पिटल, ज्ञान भी अच्छा लग रहा है बाबू। अब ज्ञान भी फिर झूल रहा, फिर रैंप पे जाएगी, 1 2 3 4 4 सीढ़ी है, उसके बाद रैंप पे ज्ञान भी, ये अच्छी अच्छी सीनरी है यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए, यहीं पे ये पूरा नीचे छोटाई बनी हुई है, ये हमारी ज्ञान भी बहुत खेल रही है, अच्छे रैंप पे ज्ञान भी 1 2 3 4 4 सीढ़ी पे चढ़ के उसके बाद ये रबडो रैंप है, ज्ञानवी रबडो, हमारी ज्ञानवी रपट रही है रैंप है, ये ज्ञानवी तो आज बहुत मस्ती से खेल रही है रैंप पे, रपक के बहुत खेल रही है, ज्ञान भी रैंप पे खेल रही है, ये छोटी से बच्चों को भी बहुत साथ में खिलाती है और अपना आप भी बहुत खेलती है। ज्ञान भी एक बार घोड़े पे बैठ के दिखाओ जरा, घोड़ा कैसे चलता है, तुम यही रैंप पे चलोगे, ये ज्ञान भी आज इसका पीछा नहीं छोड़ रही है, ज्ञान भी अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है बाबू, ऐसे ही लोगे ज्ञान भी, तुम गिरोगे तो नहीं, ओ ये मैं आपको दोस्तों दिखाना चाहता हूँ, कितनी अच्छी सीनरी है, छोटा रूम भी बना रखी है और यहीं पे ये जैसे कि बच्चों के माँ बाप आते हैं और वो खेल नहीं पाते हैं, इसलिए ये रैंप बनाया हुआ है, फिर बच्चे आगे। ये देखो दोस्तों हमारी ज्ञान भी अब ये अंदर से हॉस्पिटल से आए हैं जैसे चेकअप के करा करके, ज्ञान भी हमारी यहाँ बहुत इंजॉय कर रही है, ये पार्किंग टाइप बना रखा है, इधर पार्किंग है 4 व्हीलर की पार्किंग है, उधर 2 व्हीलर की पार्किंग है, मैंने आपको जैसे दिखाया, अभी ज्ञानवी जो यहाँ घूम रही है अपनी मम्मी के साथ, ज्ञानवी की मम्मी को दिखाता हूँ ये, हाँ जी ज्ञानवी की मम्मी जी, हाँ ज्ञानवी कहाँ जा रही हो, ज्ञानवी हमारी देखो इधर घूम रही है पार्किंग में, ये उजाला हॉस्पिटल की यहाँ गैलरी टाइप है तो यहाँ घूम रही है, ज्ञानवी इधर आओ बेटा, ज्ञानवी इधर आओ, ज्ञानवी देखो घूमती रहेगी वहाँ, छोड़ेगा नहीं इधर घूमना, भाग गई ज्ञानवी, ओ ज्ञानवी इधर, दोस्तों देखो ये ज्ञानवी है, ये ज्ञानवी जो इतने ऐप करती है ना, इसके ऐप की वजह से पूरा परिवार चहल पहल रहता है, अभी ये यहाँ आई है, इधर देखो ये फुलवाड़ी तोड़ रही है, और ये देखो स्टाइल कितनी करेगी, भीगी हुई कुर्सी पर बैठ रही है, मैं ज्ञानवी को
बार बार समझाता हूँ, ज्ञानवी ऐसे ऐब ना करो। आओ मैं अब मैं देखो ज्ञानवी के साथ जाता हूँ, ज्ञानवी कैसे करेगी। ज्ञानवी बाबू, ज्ञानवी तुम ये बताओ दोस्तों, मैं देखो इससे पूछूंगा, पास लाओ कैमरा वालों पास आओ। ज्ञानवी तुम किसकी बेटा हो, तेज बोलो किसकी बेटा हो तुम, पापा की बेटा हो तुम। अच्छा आप पापा की गोदी में आओगे, एक बार एक बार एक बार ना एक बार। देखो दोस्तों कि ज्ञानवी की जो एक्टिविटी है ना बहुत ज़्यादा अफदारी वाली है। मेरी ज्ञानवी ने मेरे जीवन में इतनी खुशियाँ भर दी है ना कि मेरी ज्ञानवी के बिना मेरा जी नहीं लगता। मेरी ज्ञानवी मुझे कहती है पापा की बेटा हूँ। लाओ कैमरा दिखाओ ज्ञानवी के बाद, किसकी बेटा हो तुम तो? और किसकी बेटा हो, और भी हमारी कह रही है कि मैं पापा की बेटा हूँ। दोस्तों मुझे आपको आज ये ब्लॉग दिखाते हुए बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि पास में लाओ, पास में कैमरा पास में लाओ, क्योंकि आज जो ब्लॉग बना रहा हूँ मैं ज्ञानवी के साथ बना रहा हूँ। ज्ञानवी इतना अच्छा हमेशा ब्लॉग बनवा दिए, एक्सप्रेशन इतनी अच्छी दी। चैनल ही मैंने ज्ञानवी सिंह सागर अपनी बेटा के नाम से ही बनाया है, और आप देख रहे हो हर दिन वीडियो में डालता हूँ। लेकिन दोस्तों आप सपोर्ट करो, चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि हमें और हमारी ज्ञानवी बेटा को अच्छा मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। और आपके सपोर्ट के बिना हम बिल्कुल अकेले हैं। जब आप सपोर्ट करोगे चैनल के, हमारे सब्सक्राइब बढ़ेंगे, लाइक बढ़ेंगे, व्यू बढ़ेंगे, और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाता रहूँगा। जैसे मैंने आपको आज बताया, आज हमारा जो विजिट था उजाला हॉस्पिटल में था, जो इसका एड्रेस है कि काशीपुर स्टेडियम से आगे जा करके कि मानपुर रोड पे उजाला हॉस्पिटल है। हमने आपको उजाला हॉस्पिटल में पूरी सैर कराई है, और मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप जो है हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ताकि जो है आपको कभी भी दुखों का सामना करना ना पड़े। इसलिए दोस्तों अब आपको यहीं पर विदा कहते हैं, और मिलेंगे जल्दी आपसे एक ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय। आप जरूर सब्सक्राइब लाइक कीजिए, ताकि हम आपको नए नए वीडियो दिखाते रहें। थैंक यू, नमस्कार, वंदे मातरम, जय।